हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर देखना शुरू किए थे, जिसमें हमने देखा था कि कोई लॉन्ग चेन है और उसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हैं, तो उनको हम किस तरह से उनका नोमेनक्लेचर करते हैं। आगे हम आज इस वीडियो में ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, है ना। डबल बॉन्ड वाले को हम एल्किन्स कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन्स कहते हैं, है ना। तो यहां पर आप देखिए कि किस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे कि हम यहां पर एक कंपाउंड देख रहे हैं, तो इसको एक सीधी चेन हम यहां से अगर ऐसा मान लें, ठीक है, ऐसा, ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। एक एक दो तीन चार और ये पांच, है ना। जबकि हम अगर इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन लें, तो ये एक दो तीन चार पांच और छह आ रहा है। फिर हम ऐसा क्यों किए कि पांच वाले को ले रहे हैं, छह वाले को नहीं ले रहे हैं? तो उसका कारण ये है कि इस वाले चेन में ऐसा जब हमने लिया, तो इसमें ये डबल बॉन्ड इंक्लूडेड है, इसलिए हमने इस वाले चेन को चूज किया है। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले लॉन्गेस्ट चेन को हम यहां पर चूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि यहां पर हमने लिखा है, देखिए, द सेलेक्टेड चेन मे और मे नॉट बी लॉन्गेस्ट चेन इन द स्ट्रक्चर। कोई जरूरी नहीं है कि वही लॉन्गेस्ट चेन हो, वो कम वाला भी हो सकता है, लेकिन उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो वो उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, तभी वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब यहां पर जब हम इसका नाम लिखते हैं, तो जैसे एल्केन में आखिरी में ए एन ई लगता है सफिक्स को, उसको हम हटा देते हैं और ई एन ई, या ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई, अगर डबल बॉन्ड है तो ई एन ई, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई, हम इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और नंबरिंग ऐसा करते हैं जिसमें जो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल ट्रिपल बॉन्ड, वो इंक्लूडेड हो, जैसा मैंने आपको कहा था, है ना। और जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, उस कार्बन को हम फर्स्ट कार्बन लेते हैं, ठीक है, उसी कार्बन को हम फर्स्ट कार्बन लेते हैं, जनरली ऐसा हम देखते हैं, ठीक है, करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देखिए, ठीक है। एक और बात है कि अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार है, यानी दो है या तीन है या चार बार है, तो उसके नाम के आगे डाई इन या डाई आइन या ट्राई इन या ट्राई आइन, इस तरह से हम लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई, है ना। तो यहां पर आप देखिए, जैसे यहां पर हम कैसे लिखेंगे, देखिए, तो देखिए कि यहां पर ये लॉन्गेस्ट चेन ऐसा चूज किया है इसने, है ना। तो यहां पर आप देखिए कि सेकंड पोजीशन पे ये एथिल जुड़ा है और थर्ड पोजीशन पे मेथिल जुड़ा है, और जैसा कि फर्स्ट पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम कैसे हो जाएगा, टू एथिल और थ्री मेथिल ब्यूट वन इन। अब देखिए यहां पर ब्यूट वन इन लिखने के बाद ब्यूट ब्यूट इन यानी ब्यूटीन लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा यहां पर डबल बॉन्ड वन पोजिशन पे ही है, हमेशा रहता है, इसलिए वन को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कहीं और अगर डबल बॉन्ड है तो हम उसको वहां पर लिखेंगे, है ना। इस वाले एग्जांपल में देखिए, यहां पर फोर्थ पोजीशन पे आप देखिए कि एक एथिल और एक मेथिल दोनों जुड़े हुए हैं, है ना, और ये फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है वाइन, है ना। तो फोर एथिल फोर मेथिल हेक्स वन आइन, क्योंकि छह है तो हेक्सीन है, ये हेक्साइन है, है ना। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि थर्ड पोजीशन पे CH3 है, इसलिए थ्री मेथिल ब्यूट वन आइन। यहां पर अपन देखें कि फोर्थ पोजीशन पे मेथिल है, फिफ्थ पोजीशन पे मेथिल है, ये एक मेथिल और एक दो मेथिल, यानी तीन मेथिल है, है ना। तो फोर फाइव फाइव ट्राई मेथिल, ऐसा हो जाएगा, और हेक्सेन है, हेक्सीन है, तो हेक्स टू इन। यहां पर टू पोजिशन को दिखाना जरूरी है, वन को भी दिखा सकते हैं, जैसा मैंने यहां पर बताया था आपको, है ना। यहां पर आप टू पोजीशन को आपको जरूर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे। तो इस तरह से अपन
डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड का नामकरण यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि जब डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड्स वहां पर हैं तो जो लोएस्ट नंबर है वो डबल बॉन्ड को दिया जाता है, डबल बॉन्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, और नहीं सॉरी थोड़ा सा चेंज है, ट्रिपल बॉन्ड को पहले दिया जाएगा, है ना, ये वाइन को पहले लोएस्ट नंबर दिया जाएगा इनके अपेक्षा के, है ना। व्हेन देयर इज अ चॉइस इन नंबरिंग द डबल बॉन्ड आर गिवन द लोएस्ट नंबर। अब यहां पर अगर दोनों सेम नंबर पे आ रहे हैं तो डबल बॉन्ड वाले को हम पहले प्रेफर करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग नंबर पे हैं तो वाई को पहले लेंगे, है ना। अभी आगे क्लियर करता हूं मैं आपको, थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजिंग है टेक्स्ट में, मैं आपको आगे क्लियर करता हूं, देखिए। ठीक है, तो जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, ठीक है, तो ई एल ई के जगह यहां पर ई एल लिखेंगे, उसके बाद जो है पेरेंट चेन को लिखेंगे, मतलब ई को हटा दिया हमने, यहां पर लिखा है नोटिस दैट ई इज ड्रॉप्ड लेफ्ट ऑफ, ई को हमने हटाया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल में हम देखेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, देखिए कैसे है, है ना। पहले तो हम यहां पर ये डबल वाले को लिख देते हैं, देखिए ये यहां पर एक डबल बॉन्ड है और यहां पर एक डबल बॉन्ड है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन, छह कार्बन है, डबल बॉन्ड है तो डाइईन लिखेंगे, और छह है तो हेक्स होगा, हेक्सा डाइईन हो गया, और फर्स्ट पोजीशन पे है और फोर्थ पोजीशन पे है तो 1,4 हेक्सा डाइईन यहां पर हम लिखेंगे। ठीक है, यहां पर आप देखिए कि ये एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ रहा है इसलिए हमने यहां से शुरुआत किया है ना। तो थ्री पेंटीन, देखिए यहां पर ई हटा दिया हमने, अभी जो कुछ देर पहले आपको चर्चा कर रहे थे कि जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं तो डबल बॉन्ड के लिखते समय ई को हटाएंगे, ई एन ई में से ई एन ई में से ई को हटा देंगे, तो देखिए क्या लिखा हमने, थ्री पेंटीन ई को हटाया और वन पे वाइन, थ्री पेंटीन वन वाइन ऐसा लिख दिया हमने। अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम किस तरह से लिखने की बात कर रहे थे। ठीक है, अब यहां पर देखिए किस तरह से है कि ये एक लॉन्गेस्ट चेन हमने लिया, ये वाला लॉन्गेस्ट चेन हमने लिया, छह कार्बन है, इसे थर्ड पोजिशन पे आप देखिए क्या जुड़ा है, ये थर्ड पोजिशन पे प्रोपिल जुड़ा है, तीन कार्बन वाला है तो प्रोपिल जुड़ा है, है ना, और फोर्थ पे भी प्रोपिल जुड़ा है, तो थ्री फोर डाई प्रोपिल हो गया। पहली बार वन पोजिशन पे एक है, वन पोजिशन पे एक है, ये देखिए वन पोजिशन पे वन पोजिशन पे एक डबल बॉन्ड है, थर्ड पोजिशन पे एक डबल बॉन्ड है, तो वन थ्री हो गया, और छह है तो हेक्सा डाइईन, यहां पर भी ई हटाया देखिए, ठीक है, यहां पर भी ई को हटा दिया, और उसके बाद आप देखिए फिफ्थ पोजिशन पे वाइन है ना, तो फिफ्थ पे वाइन ये आ गया, थ्री फोर डाई प्रोपिल, वन थ्री हेक्सा डाइईन, यहां पर ई हटा, इस बात को विशेष बात से ध्यान रखेंगे आप, है ना। इधर के एग्जांपल्स देखते हैं अपन क्या लिखा है, है ना, तो एक पोजीशन पे ये है और ये है, तो एक दो तीन चार, है ना, तो ये थर्ड पोजीशन पे है और ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो वन थ्री हेक्सा डाई इन ई हट गया अगेन, और फिफ्थ पोजीशन पे वाइन, ये फिफ्थ पोजीशन पे वाइन ये आ गया। आगे देखिए ये यहां पर एक डबल बॉन्ड है और कहीं पर तो डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है, और ये एक मेथिल है, एक मेथिल ये है, तो हम यहां से गिनना शुरू करेंगे, एक दो तीन चार और पांचवें पोजीशन पे, है ना, तो पांचवें पोजीशन पे दो मेथिल है तो फाइव फाइव डाई मेथिल हुआ और वन हेक्सिन, ये बहुत सिंपल है। ठीक है,
अब इसका एक स्ट्रक्चर क्या है देखिए, इसका स्ट्रक्चर ये है कि एक दो तीन चार, चार वाला है तो साइक्लो हुआ, ये साइक्लो क्योंकि साइकिल है तो साइक्लो, चार वाला है तो ब्यूट है ना, और एक डबल बॉन्ड आपको यहां पर दिख रहा है इसलिए ये ईन हुआ, ब्यूटीन, साइक्लो ब्यूटीन हुआ। अब साइक्लो ब्यूटीन में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे चूंकि ये डबल बॉन्ड यहां पर है तो इसी को फर्स्ट लिखेंगे, तो फर्स्ट पोजीशन पे एक मेथिल जुड़ा हुआ है, ठीक है ऐसा है, फिर इधर को सेकंड लिखेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि डबल बॉन्ड ऐसा है ना, देखिए ये स्ट्रक्चर कैसा मैं आपको दिखा रहा हूं, एक सी है फिर डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, फिर ऐसा करके एक सी है, ये ऐसा करके एक सी है और ये एक ऐसा करके सी है, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, फिर यहां पर एक सी एस थ्री जुड़ा है, ठीक है, और यहां पर दो सी एस थ्री जुड़े हैं, ये सी एस थ्री और ये सी एस थ्री, ठीक है, ये ऐसा ही स्ट्रक्चर है एक्चुअली, है ना, और बाकी इनमें तो जो कार्बन चाहिए यहां यहां दो कार्बन चाहिए, यहां भी दो कार्बन चाहिए, है ना, यहां पर जरूरत नहीं है, यहां पर जरूरत नहीं है, ठीक है, तो दो कार्बन। अब ये कैसा हुआ देखो, साइक्लोब्यूटेन तो ये वन हुआ ना पोजिशन, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, तो वन पे एक मेथिल है और फोर्थ पे दो मेथिल है, तो वन फोर फोर ट्राइमेथिल, ये देखिए 144 ट्राइमेथिल साइक्लोब्यूटीन, ये ऐसा हुआ क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को हमने लोएस्ट नंबर में लिखा है, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 इस तरह से लिख करके हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया, तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है और थोड़ा सा बस समझने की बात है कैसे हम स्ट्रक्चर को लिखते हैं, ठीक है। यहां पर भी कुछ एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, देखिए फर्स्ट पोजीशन पे ईन है और फोर्थ पोजीशन पे वाइन है, पेंटीन, तो पेंट वन इन फोर वाइन, ठीक है, अब फिर से यहां पर ई हटा है, देख सकते हैं कई एग्जांपल हमने अभी तक देखे, यहां पर फोर, अब देखिए यहां पर चूंकि ये भी सिरे पर था ये भी सिरे पर था तो हमने डबल बॉन्ड को सिरे पर मान लिया था, एक वहीं से स्टार्ट किया था, लेकिन अब डबल बॉन्ड यहां पर अंदर में है जबकि ट्रिपल बॉन्ड सिरे पर है, तो हम यहां से वन लिखेंगे, तो डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे है और ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, तो पेंट थ्री इन वन वाइन ऐसा लिखे, एकदम सही है, आप जल्द देख सकते हैं, उल्टा नहीं लिखेंगे, इधर से हम नहीं लिखेंगे, ये इसलिए नॉट लिखा है, देखिए नॉट लिखा है ना, इधर से नहीं लिखेंगे, इधर से नहीं गिनेंगे, है ना, हम लोग इधर से गिनेंगे, ऐसा गिनेंगे, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड कैन नॉट बी पेंट टू इन फोर आइन, ये मैंने आपको अभी बताया क्यों नहीं है। अब आगे देखिए इसमें, अब यहां पर देखिए कि यहां से भी फर्स्ट ले सकते थे, यहां से भी फर्स्ट ले सकते थे, दोनों सेम रहेगा, तो थर्ड पोजिशन में मेथिल है और फर्स्ट पोजिशन पे और फोर्थ पोजिशन पे दो वाइन है, तो थ्री मेथिल पेंट या पेंटा कहेंगे, सॉरी अब यहां पर पेंट पेंटा वन फोर डाई आई है ना, ये नाम पे थोड़ा अंतर है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, है ना, और यहां पर आप देखिए कि सेकंड पोजिशन में मेथिल और फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो टू मेथिल ब्यूटा वन थ्री डाई आइन, ये इस तरह से नाम हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है, और इसका नाम आप देखिए कैसा होगा कि अब फिर से देखिए कि सिरे पर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों है, तो हम डबल बॉन्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए तो वन पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ये देखिए ये थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, वन पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो डाई इन हुआ और फाइव आइन हुआ, है ना, और छह है तो हेक्सा हुआ। एक बार फ्लो में आता है नामकरण करना तो इसलिए होते चला जाता है, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि सभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करना मुश्किल रहता है लॉन्गेस्ट चेन में, तो हम उसमें कैसे करेंगे, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर डबल बॉन्ड के वाला जुड़ा हुआ है तो इस टाइप का जुड़ा हुआ है अगर CH2 तो मेथिलीन मेथाइलीन कहेंगे एक्चुअली मेथाइलीन, और ये जुड़ा हुआ है तो इथाइलिडीन, ठीक है, इस तरह से जुड़ा था, देख सकते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखेंगे, जबकि इस तरह से जुड़ा हुआ है तो इथेनाइल या विनाइल कहलाएगा, और इस तरह का जुड़ा हुआ है तो इथाइनाइल इथाइनाइल, एग्जांपल देख लेते हैं आपको समझ में आएगा। थर्ड पोजीशन पे एक मेथाइलीन जुड़ा है,
तो थ्री मेथाइलीन, ये देखिए ये थ्री मेथाइलीन और पेंटा वन फोर डाइन, ये वन पोजीशन पे और ये फोर पोजीशन पे डाई आइन, ठीक है। तो डाइन पेंटा वन फोर डाइन, अब थोड़ा नीचे आते हैं तो अब देखिए हम इसको चेन को कैसे लिखे हैं। देखिए ये चेन ऐसे गया है, ऐसे गया है और ऐसे गया है, मतलब ये अलग से जुड़ा है, अपन ये मान रहे हैं, और ऐसा जुड़ा है तो हम उसे इथाइनाइल कह रहे थे। देखिए पांचवें पोजीशन पे इथाइनाइल है, फिफ्थ पोजीशन पे इथाइनाइल और सात है तो हेप्टा हो गया। वन थ्री सिक्स, देखिए एक यहां पर जुड़ा, एक यहां पर जुड़ा, एक यहां पर जुड़ा, डबल बॉन्ड, तो थ्री है तो ट्राइईन हुआ, हेप्टा वन थ्री सिक्स ट्राइईन, है ना। इस तरह से लिखते जाएंगे इसको। देखिए यहां पर कैसा है, ये नामेंक्लेचर में जो चेन है हमने ऐसा सीधा चेन लिया, देखिए एकदम सीधा आठ वाला हो गया, है ना। तो फोर्थ पोजीशन पे यहां पर जो जुड़ा है ये कैसा हुआ, ये इथेनाइल टाइप का चीज हुआ जिसको विनाइल कहेंगे, इथेनाइल, इथेनाइल, है ना, और ये मेथिल है। तो फोर पे इथेनाइल या विनाइल और थ्री पे मेथिल, उसके बाद ऑक्ट हुआ, फिर कहां पर है ये फर्स्ट पोजीशन पे है और सिक्स पोजीशन पे है डाई, नहीं ये डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे इन है और सिक्स पोजीशन पे आइन है, यहां पर इन में ई हटा है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, नहीं तो ये पीएमटी में और जेई में गलत करेंगे अपन, ठीक है। इसमें आप देखिए कि लॉन्गेस्ट चेन ऐसा करके, ऐसा करके ऐसा चुना है हमने, तो यहां पर फिर से ये जो जुड़ा है बहुत इजीली आप देख सकते हैं कि ये वाला है इथाइनाइल, है ना, इथाइनाइल जुड़ा है। तो नहीं ये तो नीचे वाले का है, सॉरी ये उल्टा चेन चुना है ना इसने, ये इधर से चुन लिया, ये तो दिखा रहा है, हमने इसको जो पढ़ा उसको दिखा रहा है, ये दूसरा वाला नहीं है, सॉरी ये दूसरा कंपाउंड नहीं है, ये नहीं होता है करके ऐसा दिखा रहा है इस वाले को, ठीक है, ये ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये दिखा रहा है, ठीक है ठीक है। अब किसी में वन फंक्शनल ग्रुप है तो उनमें क्या नियम हम लगाएंगे, ठीक है। पहली बात है कि हम चेन को लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे जिसमें वो फंक्शनल ग्रुप शामिल हो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अब मेन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है कि फंक्शनल ग्रुप के पास वाला जो कार्बन है वो लोएस्ट नंबर दिखाएगा, जैसे OH कहीं पर जुड़ा है तो वो कार्बन लोएस्ट दिखाएगा, ठीक है। और फिर सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह का नंबरिंग हम करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग करेंगे साथ में, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि यहां पर देखिए OH जुड़ा है इसलिए हमने कार्बन चेन को ऐसा करके लिया है, है ना, हमने कार्बन चेन को ऐसा नहीं लिया है, ऐसा नहीं लिया क्योंकि ये OH इसमें फिर शामिल नहीं होता। तो कहीं पर अगर फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसको लेंगे, तो एक्चुअली कार्बन जो है यहां से शुरू होगा, एक दो ऐसा, तीन चार पांच ऐसा होगा, तो सेकंड पोजीशन पे एक एथिन और एक मेथिल जुड़ा है, ठीक है, ऐसा दिखाएगा ये, और ये हुआ आपका फाइव है तो ये पेंटेनॉल होगा, पेंटेनॉल है ना, टू पोजीशन पे एथिल मेथिल और पेंटेनॉल ऐसा होगा। ये देखिए यहां पर कैसे लिखेंगे, तो हम यहां पर चेन ले रहे हैं इस तरह से, ऐसा हो गया, है ना, तो सेकंड पोजीशन पे ऑल भी है, सेकंड पोजीशन पे मेथिल भी है, तो प्रोपेन हुआ, है ना, टू मेथिल प्रोपेन टू ऑल, ये हो जाएगा, बहुत सिंपल है। यहां पर भी देखिए टू टू डाइमेथिल हुआ और प्रोपेन वन ऑल, ये हो गया टू टू डाइमेथिल प्रोपेन वन ऑल। अब यहां पर देखिए कि कीटोन ग्रुप है भी, कीटोन ग्रुप है, लॉन्गेस्ट चेन ये हुआ तो हो गया हेक्स हो गया, हेक्सा, थ्री पे ओन है और फिफ्थ पे मेथिल है, तो फाइव मेथिल हेक्सेन थ्री ओन, ठीक है, क्योंकि कीटोन में ओन शब्द हम लिखते हैं, ओन ओन शब्द लगाते हैं, ओन ओन सफिक्स सफिक्स लगाते हैं, ठीक। यहां पर देखिए कैसा हो रहा है, ये ओ जुड़ा है, इसको हम
नियरेस्ट इस्तेमाल लेंगे। अब चेन को कैसा लिया है, ये ऐसा करके ऐसा लिया है तो लॉन्गेस्ट फोर है भाई, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा लॉन्गेस्ट, ठीक। तो थर्ड पे ऑल है, फोर्थ पे एथिल है, फिफ्थ पे मेथिल है, फिफ्थ पे मेथिल है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो फोर एथिल, फाइव फाइव डाइमेथिल, हेप्टेन थ्री ऑल, क्योंकि सात है तो हेप्टेन है ना। यहां पर एल्डिहाइड आ गया नेक्स्ट वाले में, ठीक है। तो फाइव है और अल है, क्योंकि एल्डिहाइड पे अल शब्द लगाते हैं अपन, देखे होगी सफिक्स अल लगा देते हैं, है ना। और थ्री मेथिल है, तो थ्री मेथिल पेंटेन अल, पेंटेन अल, पेंटेन वन अल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड ऑलवेज बेयर इन फर्स्ट पोजिशन, ठीक है। अब यहां पर उसी चीज को लिखा है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जैसे कि CHO, ये एल्डिहाइड है, COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एस्टर है, ये साइनाइड है, ठीक है। तो यहां पर जो इस कार्बन पे है ये ग्रुप, उस कार्बन को भी हम नंबर में शामिल करेंगे। जैसे यहां पर ये कार्बन वन हो जाता है, ऐसा ये वन हो जाता है, ये वन हो जाता है, ये सारे कार्बन को हम इंक्लूड करेंगे और ये वन पे ही आएगा, ठीक है। और ये ऑलवेज गिवन नंबर वन, ठीक है। और इसलिए नंबर वन है करके उसकी नंबरिंग को हम IUPAC नाम में शामिल नहीं करते, कि वन अल, कि वन ओइक एसिड, ऐसा नहीं लिखते, सीधा अल ओइक एसिड ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए कैसा एग्जाम्पल है। तो यहां पर एग्जाम्पल में अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है, देखिए, ठीक है। जो चेंज का मतलब कॉम्प्लेक्स होगा, ये कह सकते हैं, चेंज नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स। ये ऐसा ही लिखे हम, ऐसा देखिए। तो फोर अल है ब्यूटेनल, चार है तो ब्यूटेनल, है ना, वन अल ब्यूटेन, वन अल तो ब्यूटेनल, और सेकंड पोजिशन पे मेथिल है, सेकंड पोजिशन पे एथिल है, तो टू एथिल टू मेथिल ब्यूटेनल, है ना। यहां पर आप देखिए कि चार है, ठीक है, और चौथे पोजीशन पे एक फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकला फेनिल, तो फोर फेनिल ब्यूटेनोइक एसिड, सीधा सीधा सी बात है ना। यहां पर एक दो तीन चार ब्यूटेनोइक एसिड है, थ्री मेथिल, सॉरी टू मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, और यहां पर साइनाइड है सीधा सीधा, है ना, तो ब्यूटेन नाइट्राइल, क्योंकि और कुछ इस साइड में नहीं जुड़ा है, तो ब्यूटेन हुआ नाइट्राइल, इस तरह से हुआ। अब हेलोजन एटम अगर है तो हम उसका नाम भी इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। कैसे नाम शामिल करेंगे, देखिए, जैसे कि यहां पर ये देखिए, पहला देखिए पोजीशन देखिए, यहां पर ओन है ये, ठीक है, ये एस्टर को दिखा रहा है, COOH होना चाहिए था, तो C2H5 पे हमें जुड़ गया। एस्टर होता है ओएट, आपको ध्यान होगा, ठीक है, ओइक एसिड होता है ये मान लो इतने में एच होता है यहां पर, तो ये इतना वाला जो है ये ब्यूटेनोइक एसिड होता, ठीक है। अब जो है सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो जुड़ा है और फर्स्ट पोजीशन पे एथिल ग्रुप जुड़ा है, आप ये कह सकते हैं। तो एथिल को पहले लिख देंगे, फर्स्ट पोजिशन पे तो लिखने की जरूरत नहीं, और सेकंड पोजिशन पे ब्रोमो है, तो टू ब्रोमो ब्यूटेनोइट, टू ब्रोमो ब्यूटेनोइट, ऐसा हो जाएगा। ये एस्टर भी, एस्टर को हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में। यहां पर आप देख सकते हैं ये चार है तो ब्यूटेनोइक एसिड होगा, और ये फोर पोजिशन पे आयोडो है तो फोर आयोडो ब्यूटेनोइक एसिड होगा, ठीक है। ये थ्री क्लोरो और टू मेथिल और ये ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसा हो जाएगा। तो थ्री क्लोरो टू मेथिल, जो किसी पहले आ रहे हैं पहले लिख दिए, मेथिल में एम बाद में आ रहा है अल्फाबेटिकल, तो बाद में लिखा हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि कीटोन सेकंड पे आ रहा है, ठीक है, और फिफ्थ पोजीशन पे क्लोरो है, और ये हो गया ब्यूटेन, तो फाइव क्लोरो ब्यूट ब्यूट टू ओन, ऐसा नाम हो जाएगा इसका, फाइव क्लोरो ब्यूट टू ओन, ये नाम हो जाएगा, देखिए ऐसा नाम हो जाएगा।
नाम यहाँ पर नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, मैंने बताया आपको, अब देख लीजिए। और ये फोर्थ पोजिशन पे क्लोरो है, फर्स्ट पोजिशन पे COOH2 एमाइड है, एमाइड है ना, तो फोर क्लोरो पेंटेन एमाइड, फोर क्लोरो पेंटेन एमाइड ऐसा हो जाएगा, एमाइड है जैसे फोर क्लोरो पेंटेमाइड पेंटामाइड। ठीक है, अब मान लो एक से ज्यादा एक ही ग्रुप पाया जाए तो कैसे लिखेंगे अपन, देखिए तो उसमें टू थ्री के लिए टू या डाई डाईऑल ट्राईऑल ऐसे लिखेंगे। जैसे आप देखिए ये इथेन होता, इथेन में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे दो ऑल जुड़ा है तो इथेन वन टू डाईऑल, सिंपल सा बात है। ये वन और थ्री पे है तो प्रोपेन डाईऑल हो गया वन थ्री, ठीक है। ये फर्स्ट और फिफ्थ पे दो अल है एल्डिहाइड तो पेंटेन डाईऑल या पेंटेन 15 डाईऑल ऐसा लिख सकते हैं। तो आप इसमें नंबरिंग देने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों सिरे पर ही जुड़े रहेंगे। ब्यूटेन डाईऑल के सिर चार है, देख सकते हैं ब्यूटेन डाईऑल के सिर है ना। यहां पर भी आप ध्यान देंगे कि यहां पर कार्बन को हमने गिना है ना दोनों में से, यहां पर भी कार्बन को गिनेंगे अपन, ये देखिए कार्बन को गिन रहे हैं अपन। यहां पर देखिए दो सी है तो इथेन होता और ये दोनों में ओइक एसिड जुड़ गया है तो इथेन डाईऑक एसिड, ये देखो इथेन डाईऑक एसिड है ना, ब्यूटेन डाईऑक एसिड है ना। अब देखिए कि दो यहां पर ओन है, ये देखिए ओन है दो, तो ये हो गया पेंटेन 2,4 डाईओन, ये देखिए बहुत सिंपल है पेंटेन 2,4 डाईओन डाईओन सॉरी डाईओन। और ये 1,2,3 ट्राईऑल है, ठीक है, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। इस तरह से हम इसका नामकरण कर रहे हैं, अगर एक से ज्यादा बार आ रहा है कोई एक फंक्शनल ग्रुप तो, ठीक है। अब यहां पर कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन टू सेम फंक्शनल ग्रुप है ना, इनके हम यहां पर एग्जांपल्स के साथ पढ़ रहे हैं, देखिए। तो 1993 में जो रिकमेंडेशन आया अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट 1993 रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC, ठीक है, इफ एन अनब्रांच चेन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू मोर देन टू सेम फंक्शनल ग्रुप द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ पेरेंट एल्केन व्हिच डज नॉट इंक्लूड द कार्बन एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, दीज आर नेम्ड बाय यूज ऑफ सफिक्स सच एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, 3COH रहेगा, ट्राई कार्बोनिलहाइड या ट्राई नाइट्राइड, देखिए कैसा है, अभी हम इसमें एग्जांपल पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए अब मान लो देखिए यहां पर एक दो और तीन कोई कैसे जुड़ा है, अब इसमें हम पेरेंट चेन में तो दो ही को ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं है ना, ऐसा ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे जब इस तरह से जुड़ा है तो हम तीनों इस कार्बन को नहीं गिनेंगे अब, क्योंकि साइड चेन में कौन जुड़ गया है, अगर ये नहीं रहता, ये नहीं रहता तो ये दोनों कार्बन जुड़े रहते, ये कार्बन भी जुड़ता ये कार्बन भी जुड़ता, लेकिन अब साइड में जुड़ गया तो तीनों कार्बन नहीं जुड़ेंगे नंबरिंग में, तो अब कैसा हो जाएगा पेंटेन 1,3,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा हो जाएगा। देखिए वन पे है, थ्री पे है, फाइव पे है, 1,3,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक नहीं रहता इसमें से कोई भी ना तो हम उसको इंक्लूड कर लेते कार्बन को, ठीक है, तब क्या होगा फिर ये 1,2,3,4,5,6,7 हो जाता पेंटेन की जगह हेप्टेन हो जाता, लेकिन चूंकि एक एक्स्ट्रा आ गया तो तीनों नहीं आएंगे, ले हो गया। वैसे ये देखिए एल्डिहाइड में भी 1,2,3 अलग से आ गया साइड में आ गया तो तीनों नहीं गिना है, तो क्या लिखेंगे अपन ट्राई कार्बेनिलहाइड, ये देखिए ट्राई कार्बेनिलहाइड और ये सिर्फ प्रोपेन आएगा इतना, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बेनिलहाइड हो गया। अब देखिए साइनाइड वाला भी ऐसी हुआ, ये देखिए 1,2,3 तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइड, ये देखो कार्बोनाइट्राइड प्रोपेन हो गया, अब इसमें से कोई नहीं रहता तो दोनों कार्बन भी गिनने में आते, अब इसी कारण से दोनों भी नहीं शामिल हो पाएंगे सारे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद वाले चैप्टर में हम आगे की पढ़ाई करेंगे, जिसमें नॉमेनक्लेचर को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कृपया शेयर कमेंट लाइक ये सब कर दें,
ताकि मेरा चैनल भी थोड़ा आगे बढ़े आप लोगों के सहयोग से। धन्यवाद, थैंक यू।